लेकिन 25 बिंदु को हम लोगों ने इंकित किया है, जिसको अति शीघ्र मुजफ्फरपुर में ये जो भी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। हमारे सामने हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार चौधरी जी, आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना कर रहे हैं, नगर निगम की समस्याओं को लेकर इनसे बात करेंगे। किन मुद्दों पे धरना कर रहे हैं राजेश चौधरी जी? हम लोगों ने चिन्हित किया है बहुत कम समय में, वैसे अनगिनत मुद्दे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन 25 बिंदु को हम लोगों ने इंकित किया है, जिसको अति शीघ्र मुजफ्फरपुर में ये जो भी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। 25 मांग पत्र हम लोग आज जिला प्रशासन को सौंपेंगे, जो कि हम सबों का मांग है, आम आवाम का मांग है, आम जनता का मांग है। ये मामूली इसी सुधार की ज़रूरत है, ये सब कुछ ठीक हो सकता है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, अगर हमारे प्रशासन के लोग, हमारे सोए हुए जनप्रतिनिधि अगर काम करे तो ये सभी मांगों को पूरा किया जा सकता है। मांगे क्या है, प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि जो हम सड़क जाम की समस्या झेल रहे हैं प्रतिदिन हमेशा, उससे निजात मिले। सड़कों पर जल जमाव है हर जगह, वो जल जमाव की समस्या से हमें निजात मिले, नाला कवर हो जाए, स्मार्ट सिटी का काम अति तीव्र गति से किया जाए, ताकि आने वाले बारिश के समय हमारे लोग सुरक्षित रहे। जो पिछले दिनों कुछ घटना घटी है, वैसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए। शहर के स्लम बस्तियों की स्थिति देखिए, स्लम के लोग आए हुए हैं, हम लोग स्लम में काम करते हैं, वहां रहने लायक स्थिति नहीं है। ये जरूरत है कि स्लम बस्तियों में काम हो और यहाँ के लोग भी आम जिंदगी जिए और आम लोग के तरह रहें। जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, जैसा कि आए दिन मीडिया के माध्यम से देखते हैं, उनमें गुणवत्तापूर्ण काम किया जाना चाहिए, और जो भी होमलेस पीपुल हैं उनकी योजना है, उस योजना को धरातल पर उतारना है। कूड़ा को ढककर ले जाने की जरूरत है। शहर में आप घूम लीजिए तो कहीं शौचालय आपको नहीं मिलेगा जहां आप अपने परिवार को ले जाएं शौचालय कराने के लिए। डिलक्स शौचालय की जरूरत है और चलंत हॉस्पिटल की जरूरत है। विभिन्न सरकारी कार्यों को के लिए डोर टू डोर कैंप लगाने की जरूरत है, चलंत ऑफिस निर्माण करने की जरूरत है कि हर वार्ड में जाकर के लोग वहां की समस्या का निदान करें। साफ सफाई के लिए जागरूकता भी चलाया जाए, वृक्षारोपण भी करें, जिससे शहर को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। प्लास्टिक के उपयोग ना हो, इसके लिए भी हम लोगों से अपील करेंगे आपके माध्यम से, और प्रशासन को भी कहेंगे कि इसके उपयोग के लिए। प्लास्टिक तो सर बैन किया हुआ है, प्लास्टिक फिर भी यूज हो रहा है, तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है ना सर? बिल्कुल, प्रशासन जिम्मेवार है इसके लिए, और हम लोग भी आज से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग बंद हो। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि अगल बगल में कम जगह में हवाई जहाज का उड़ान हो रहा है। हम मुजफ्फरपुरवासी, हमारे पूर्वज एकड़ एकड़ जमीन वहां दिए हुए हैं, लेकिन आज वहां कोई उसका उपयोग नहीं है। उसके बाद जो भी देख रहे हैं आप, होल्डिंग टैक्स हम लोग देते हैं साल में एक बार, हमारे आम लोग देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई टैक्स ना लिया जाए जब तक स्मार्ट सिटी का काम पूर्णतः कंप्लीट ना हो जाता है। शहर में देखिए, बाहर बाहर से लोग आते हैं, हमारे मित्र आते हैं, हमारे साथी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ आप घूम सके। पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को जूलॉजिकल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, वाटर पार्क,
बेहतरीन ऑडिटोरियम, पुस्तकालय और स्टडी सेंटर के साथ साथ एक रंगशाला की भी जरूरत है, जिसको अविलंब प्रारंभ करना है उस काम को, और उसको करना पड़ेगा। राजेश जी, आपका धरना है, मांग है, इसके लिए आज आपने धरना दिया है, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो क्या करेंगे आगे? देखिए, ये धरना नहीं है, ये जन आंदोलन की शुरुआत है, और उसके पहले कड़ी में हमें धरना दे रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से हम हर जगह इस तरह का आयोजन कर देंगे, सरकार को बाध्य कर देंगे कि ये मांगों को पूरा करना पड़ेगा उनको, और उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। हमारे साथ आम लोग है, ये आम लोगों की समस्या है, ये कोई दलगत बात नहीं है कि एक दल दूसरे दल से बात करके चले गए, ये कोई जाति का धरना नहीं है, यहाँ सब आम लोग है और सबके हित की बात है। अपने हित के लिए सड़क पर आम लोग अब उतर गए हैं, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी कोई टस से मस होने वाला नहीं है।